और हज़रत खलील सहारनपुर के शागिर्द थे, तो ये सिलसिला आगे चलकर फिर शाहवलीउल्लाह तक पहुँचता है। गरज एक मुतअद्दिद सनदें हैं, तमाम सनदों के साथ आपको हदीस बयान करने की इजाज़त है। हदीस जब सनद के साथ इंसान तक पहुँचती है तो उसके बाद फिर कहा जा सकता है कि हमारा हदीस का इल्मी सिलसिला जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के साथ मरबूत हो गया। और इसकी मिसाल इसी दुनिया में ऐसे है कि अगर हमारे कमरे में बल्ब जल रहा है, इसके माने यह हैं कि इस बल्ब का कनेक्शन पावर स्टेशन के साथ है। अब वो पावर स्टेशन कितने सौ या कितने हज़ार मील दूर है, लेकिन बहरहाल इसका कनेक्शन उसी के साथ, तब यहाँ लाइट आई है। ये हमारा बल्ब तार के ज़रिए से मरबूत है सड़क पर, खम्भा जो है उसके साथ, फिर खम्भे की लाइन जो है वो मरबूत है अगले खम्भे के साथ, और खम्भों के साथ होते होते यह पहुँचेगा ग्रिड स्टेशन, और ग्रिड स्टेशन का तुम रब्ता है पावर हाउस के साथ, और जहाँ टर्बाइन चल रहा होगा, जहाँ पावर तैयार हो रहा होगा, वहाँ के साथ हमारा रब्ता मरबूत हो गया। इस कायनात में आफ्ताब रिसालत सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके बयान करदा इरशादात सहाबा ताबईन तबे ताबईन रावियान हदीस से होते होते मुहद्दिसीन तक, फिर मुहद्दिसीन के तलामीज़ा के ज़रिए से होते होते हम तक, हमारे असातिज़ा के ज़रिए हम तक पहुँचा, और इस तरह से क़यामत तक ये सिलसिला कायम रहेगा। अल्लाह ताला शान हो आपको इस सिलसिले के तमाम इल्मी रूहानी और अखलाक़ी बरकत से।